तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जिस ऐप की, स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप की बात करने वाले हैं, उस ऐप को मैं खुद यूज कर रहा हूं। फ्रेंड्स, अभी मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसी ऐप से कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले हम उस ऐप का नाम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उस ऐप का नाम है डी यू स्क्रीन रिकॉर्डर। तो फ्रेंड्स, चलिए हम उसे प्ले स्टोर में सर्च कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में डी यू रिकॉर्डर लिख देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, जैसे ही आप डी यू स्क्रीन रिकॉर्डर लिखेंगे तो आपको ये वाला ऐप, मैं आपको दिखा देता हूं, आपको ये वाला ऐप इंस्टॉल करना है, जिसे मैंने पहले से ही ओपन कर रखा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे अपडेट का भी नोटिफिकेशन आ गया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसे अपडेट नहीं करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ से मैं बैक हो जाता हूँ और आपको इस ऐप के सारे फीचर्स के बारे में बता देता हूँ। तो चलिए मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इस पर जैसे हम पहली बार क्लिक करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आइकन हमारे सामने आ जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग टाइम चल रहा है, यही वो आइकन है। जैसे हम पहली बार ऐप को टैप करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, और दूसरी बार में टैप करेंगे तो इस तरह से इसका इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है मेरे हिसाब से। मैं जब से यूट्यूब चैनल के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इसी ऐप से कर रहा हूँ। तो चलिए अब हम इसके बारे में और अच्छी तरह से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सबसे ऊपर आएंगे इसके मेन्यू में, आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपको वीडियोस का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने जितने भी वीडियो इस ऐप से रिकॉर्ड किए होंगे, वो सारे के सारे वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ ये कैमरे का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप कैमरे पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं आपने इससे जितने भी इमेज कैप्चर किए होंगे वो यहाँ पे आ जाते हैं। फिलहाल मैंने कोई भी इमेज इससे कैप्चर नहीं किया है। उसके बाद आपको एक कैमरे का ऑप्शन और मिल जाएगा, जिसमें वीडियो कैमरे का आइकन बना हुआ है और लाइव भी लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको लाइव के वीडियोस मिल जाएंगे, जितनी भी आपने लाइव स्ट्रीमिंग की होगी। तो फ्रेंड्स, इसके बाद चलिए चलते हैं हम यहाँ पर, आप देख रहे हैं एक पेंचकस और रेंज का ऑप्शन बना हुआ है। यहाँ पर ये एडिटिंग का ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, एडिटिंग पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अभी फिलहाल 6 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला है एडिट वीडियो का, यहाँ से आप वीडियो को एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मैच वीडियो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कई वीडियो को आपस में जोड़ सकते हैं। तीसरे ऑप्शन पर आप देखेंगे वीडियो टू जिफ लिखा हुआ है, यहाँ से आप वीडियो को जिफ के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ पे वाईफाई ट्रांसफ़र वाला जो चौथा ऑप्शन है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वाईफाई से आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं डाटा, इसमें आपने जो भी रिकॉर्ड किया है या जो भी हो। उसके बाद आपको एडिट इमेज का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप यहाँ से इमेज को भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और मिल जाएगा, लास्ट वाला जो है स्टिच इमेज, यहाँ पर आप कई सारी इमेज को जोड़ सकते हैं और उन्हें कट भी कर सकते हैं, जितना आप उन्हें शो कराना चाहते हैं उतना शो कर सकते हैं उन इमेज को। तो फ्रेंड्स, अभी इस ऐप के बारे में कोई ट्यूटोरियल तो बना नहीं रहा हूँ, केवल आपको जानकारी दे रहा हूँ कि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल के लिए सबसे अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर कौन सा है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसकी सेटिंग्स के बारे में और जान लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर मेन्यू में जाएंगे और लास्ट वाला जो ऑप्शन सेटिंग का है, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाएगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर नोटिफिकेशन भी डले हुए हैं। और तीसरे ऑप्शन पर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको अर्न मनी का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस ऐप से आप पैसे भी कमा सकते हैं। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो आपको इस ऐप को लॉगिन करना होता है अपनी जीमेल आईडी से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे क्या करना है रूल्स पर क्लिक करके। तो चलिए अभी मैं यहाँ पर ये सब आपको बताने वाला नहीं हूँ, तो चलिए मैं सेटिंग्स में अब देख लेता हूं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको वीडियो सेटिंग मिल जाएगी, इसमें आप देख रहे हैं वीडियो रेजोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें आप 240 पिक्सल से लेके 1080 पिक्सल तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी फ्रेंड्स इसमें बात आप देख रहे हैं कि 1080 पिक्सल्स की जो रिकॉर्डिंग होती है वो HD में आ जाती है, बहुत अच्छी क्वालिटी की HD आ जाती है फ्रेंड। तो आप इसे जो भी आप यहाँ पे सेट करना चाहें उस प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद आपको वीडियो क्वालिटी दिख जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो क्वालिटी पर भी आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बहुत सारी क्वालिटीज़ मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पे मैं ऑटो पे रिकॉर्ड करता हूँ पर हमेशा, तो मैं इसे यहाँ पे रहने देता हूँ। उसके बाद आपको फ्रेम रेट भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस पर जो भी फ्रेम सेट करना चाहें उसे कर सकते हैं, या फिर आप ऑटो पर भी कर सकते हैं। तो मैं इसे ऑटो पर ही रहने देता हूँ क्योंकि ये रिकमेंडेड है,
तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो वीडियो ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप किस प्रकार से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, पोर्ट्रेट मोड में या लैंडस्केप मोड में। तो यहाँ पे मैं ऑटो ही रहने देता हूँ, क्योंकि जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरा मोबाइल जिस स्थिति में होगा उसी स्थिति में रिकॉर्डिंग होगी। अगर मैं पोर्ट्रेट में मोबाइल को कर लेता हूँ तो पोर्ट्रेट में होगी, और लैंडस्केप में मोबाइल को घुमा देता हूँ तो लैंडस्केप में रिकॉर्डिंग होगी। तो मैं इसे ऑटो ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो है रिकॉर्ड ऑडियो का। अगर आप रिकॉर्डिंग में ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अभी मैं इसी से ऑडियो रिकॉर्ड करता हूँ, और उसके बाद आपको वीडियो लोकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो रिकॉर्ड वीडियो आप कर रहे हैं वो कहाँ पे सेव करनी है, उस प्रकार से आप यहाँ पे जिस भी स्टोरेज में रिकॉर्ड करना चाहते हैं उस स्टोरेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इनवाइट वीडियो कलर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, और नीचे आपको रिपेयर सिस्टम UI क्रैश भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ काम के नहीं। उसके बाद हम नीचे आएंगे कंट्रोल सेटिंग में, तो कंट्रोल सेटिंग में आपको रिकॉर्डिंग मोड मिल जाएगा, स्टैंडर्ड और बेसिक। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ही रहने देते हैं, और उसके बाद आपको हाइड द रिकॉर्ड विंडो व्हेन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के समय विंडो हाइड हो जाती है। अगर इस सेटिंग को आप ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड विंडो हमें दिखती है वो हाइड हो जाती है। तो मैं यहाँ पे सब डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं सेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग, आप जब भी फ़ोन को थोड़ा हिलाएंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाती है। तो इसे मैंने डिसेबल कर रखा हुआ है, तो डिसेबल्ड ही रहने देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे काम की जो रिकॉर्ड जो सेटिंग्स हैं उनको हम सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखो काउंट डाउन में मिल जाएगा कि आप जब भी रिकॉर्डिंग करेंगे तो सबसे पहले 3 से काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हाइड द रिकॉर्डिंग बटन ऑन होम पेज। तो फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जो फिलहाल मैंने जो यहाँ पे सेटिंग्स दी हुई है वो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी दी हुई है, और मैं अभी इसी सेटिंग से वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। आपको यहाँ पे वाटर मार्क का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इसे मैंने डिसेबल्ड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसे आप ऑन करके यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं DU रिकॉर्डर लिखा हुआ है, तो इसको ऑन करके, ऑन करने के बाद नीचे आप जो दो ऑप्शन देख रहे हैं इन पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से वाटर मार्क लगा सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको टेस्ट करना होता है, नीचे ऐड टेस्ट एंड ऐड इमेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो उस प्रकार से आप जो भी वाटरमार्क लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसे फिर से डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी, और लास्ट पे इसके कुछ लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल का, फेसबुक पेज का भी। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा स्क्रीन रिकॉर्डर है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो इसे आप ज़रूर यूज करके देखिए, आप अपने मोबाइल की सभी प्रतिक्रियाओं को इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और इसमें आप देख रहे हैं मैं इसी से रिकॉर्ड कर रहा हूं, और इसका आइकन भी आपको यहां पे बगल पे दिख रहा है। मैं इस पर जैसे ही क्लिक करता हूं आपको यहां पे पॉज स्टॉप का भी और सेटिंग्स का भी आइकन आ जाता है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूं।